दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कैसे पीओएस ऐप से ऑनलाइन डीएफ फॉर्म भरें। डीएफ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। डीएफ फॉर्म एक एग्रीमेंट है जो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच होता है। इसको नए डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टिज में ज्वाइन होने के 7 दिनों के अंदर सबमिट करना होता है और ये कंपलसरी है, क्योंकि जब भी नए डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी बनती है तब उसको एक एसएमएस मिलता है कि आप अपना डीएफ फॉर्म सबमिट कीजिए। और उसके बाद वो नया बंदा पूछने लगता है कि डीएफ फॉर्म क्या होता है, तो आप ये वीडियो उनको भेज सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए। पहले क्या होता था कि डीएफ फॉर्म को ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता था, पर अब डिजिटल इंडिया होने के कारण ये काम ऑनलाइन हो सकता है। और इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये भरना नहीं आता, तो आज इस वीडियो में हम डीएफ फॉर्म भरना सिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। जो डीएफ फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, और ये फॉर्म आप किसी भी वेस्टेज के स्टोर से या ऑफिस से ले सकते हैं। जब आप वेस्टेज की किट लेते हैं तब आपको ये मिलेगा, पर अगर आपको परेशानी आ रही है वेस्टेज के स्टोर या ऑफिस जाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके बाद फॉर्म को भर सकते हैं। और हर एक डीएफ फॉर्म में ऊपर साइड आप देखोगे वहाँ पर एक आईडी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आईडी आपकी हो या आपकी डाउनलाइन की हो, यहाँ पर आप अपनी आईडी डाल सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि जो वो आईडी वहाँ पर लिखी हुई है उसको काट कर और जिसका फॉर्म आप भर रहे हो उसकी आईडी वहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको करना यही है कि तो उस फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छे से भरना है, और उसके बाद उस फॉर्म का एक फ़ोटो मोबाइल में लेना है। इसके साथ अगर आप खुद का या किसी और का डीएफ फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई एक गवर्नमेंट आईडी की फ़ोटोकॉपी करवाना पड़ेगी। और ध्यान रखना, गवर्नमेंट आईडी में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या ऐसी आईडी हो आप जिसमें आपके साइन और हस्ताक्षर हो, वो इसलिए ताकि साइन वेरिफिकेशन हो जाए। और जो डीएफ फॉर्म आपने भरा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है। जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है वो पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है। और फोटोकॉपी करवाने के बाद उस पेज पर वैसा ही साइन लेना है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दिया है। तो आपको समझ में आया ना करना क्या है? सबसे पहले आपको डीएफ फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद उसका एक फ़ोटो लेना है मोबाइल में। दूसरा, कोई पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी करवाना है। उसके बाद पेज पर जिस बंदे का फॉर्म भर रहे हैं उसका साइन करवाना है, और उसका भी एक फ़ोटो मोबाइल में लेना है। फिर आपको वेस्टिज का पीओएस ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करना है। ऐप खुलने के बाद डीएफ पर क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो आप किसका डीएफ फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, खुद का या अपने डाउनलाइन का? खुद का करना है तो सेल पर क्लिक करिए। अगर आप डाउनलाइन का डीएफ सबमिट करना चाहते हैं, डाउनलाइन पर क्लिक करिए और उनकी आईडी नीचे डालिए, तो उनका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ आएगा अपलोड साइन डीएफ फाइल, तो इसमें आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो आपने डीएफ फॉर्म भरने के बाद लिया था। फिर आपको दिख रहा होगा अपलोड वैलिड आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट की आपने फ़ोटोकॉपी करवाई थी और जिस पर साइन लिए थे और फिर फ़ोटो लिया था, उस फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने फॉर्म का फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट आईडी भी सिलेक्ट कर ली, तो अगला आपका कदम होगा अपलोड डीएफ फॉर्म पर क्लिक करना, तो आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप घर बैठे ऑनलाइन वेस्टिज का डीएफ फॉर्म भर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं, खुद का और अपने डाउनलाइन का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपनी टीम के साथ शेयर करें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि डीएफ फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे भरें, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। सो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद। विश यू वेल्थ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।